ट्रेंड चर्चित स्थलों का ये चौथा वीडियो है। बाकी के तीन वीडियो आप आई बटन के माध्यम से देख सकते हैं। 25 अक्टूबर 2019 को गुजरात का कौन सा जिला राज्य का पहला कोरोसिन मुक्त जिला बना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा गांधीनगर। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल हब कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो असम के जिगीघोपा में स्थापित किया जाएगा। जिगीघोपा नाम ध्यान रखिएगा। अक्टूबर 2019 में छात्रों की सबसे अधिक संख्या जो कि 55,547 है के मामले में उत्तर प्रदेश स्थित किस स्कूल को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है, तो इसका उत्तर होगा सिटी मॉन्टेसरी स्कूल लखनऊ। नेक्स्ट है अक्टूबर 2019 में ट्रांस बॉर्डर कंजर्वेशन पार्क की स्थापना हेतु किन तीन देशों के मध्य समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ है, तो भारत, भूटान और नेपाल, इन तीनों देशों की सीमाएं आपस में मिलती हैं, तो इसलिए जो है आपस में समझौता हुआ है, साझा हुआ है। तो भारत की सीमा जो है वो भूटान से भी लगती है और उधर नेपाल से भी लगती है, तो इसके लिए ट्रांस बॉर्डर कंजर्वेशन पार्क की स्थापना को लेकर के तीनों देशों के बीच में समझौते हुए हैं। 24 अक्टूबर 2019 को चेनानी नासरी सुरंग का नाम परिवर्तित करके क्या रखे जाने की घोषणा की गई है, तो उसका उत्तर होगा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, यानी कि चेनानी नासरी सुरंग का नाम अब बदल करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग कर दिया जाएगा। और नेक्स्ट है कि 21 अक्टूबर 2019 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्वी लद्दाख में निर्मित कर्नल चवांग रिनचेन सेतु का उद्घाटन किया। यह सेतु किस नदी पर निर्मित की गई है, तो इसका उत्तर हो जाएगा श्योक नदी। 16 अक्टूबर 2019 को संयुक्त अरब अमीरात सरकार ने विश्व की पहली स्नातक स्तरीय अनुसंधान आधारित कृत्रिम बुद्धिमत्ता विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किए जाने की घोषणा की है, तो इसकी स्थापना मदर सिटी में की जाएगी। और यहाँ पर देखिए, इस सवाल को कई तरीके से पूछा जा सकता है। एक तो यही पूछा जा सकता है कि हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित यूनिवर्सिटी विश्व में पहली बार किसने स्थापित किया, तो उसका उत्तर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। उसके बाद में इस यूनिवर्सिटी की एक विशेषता यह है कि स्नातक स्तरीय अनुसंधान आधारित यूनिवर्सिटी होगी, यानी कि जो है अंडर ग्रेजुएट लेवल से ही यहाँ पर शोध कार्य को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के स्तर पर शोध कार्य को बढ़ावा दिया जाएगा। और इस यूनिवर्सिटी का नाम होगा मोहम्मद बिन जायद यूनिवर्सिटी ऑफ इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यहाँ पर देख सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी होगी। 17 अक्टूबर 2019 को भारतीय सहायता से निर्मित जाफना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि श्रीलंका में है पर परिचालन शुरू हुआ। एयर इंडिया की सहायक कंपनी अलायंस एयर ने कहाँ से इस हवाई अड्डे के लिए पहली उड़ान शुरू की, तो एयर इंडिया की सहायक कंपनी अलायंस एयर ने चेन्नई, तमिलनाडु के चेन्नई से जाफना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए अपनी पहली उड़ान भरी है। 1 अक्टूबर 2019 को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने प्लास्टिक अपशिष्ट से निर्मित सबसे बड़े चरखे का लोकार्पण कहाँ किया, तो इसका उत्तर होगा नोएडा। 2 अक्टूबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर 150 रुपये का चांदी निर्मित स्मारक सिक्का और डाक टिकट कहाँ जारी किया, तो इसका उत्तर हो जाएगा साबरमती आश्रम जो कि अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद में है। 21 जनवरी से 24 जनवरी 2020 के मध्य विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक का 50वां संस्करण कहाँ आयोजित होगा, तो ये आयोजित हो चुका है। ये इसका उत्तर होगा दावोस क्लस्टर जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है। 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर कहाँ आयोजित स्वच्छ भारत दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया, तो इसका उत्तर हो जाएगा गुजरात का अहमदाबाद। सितंबर 2019 में दक्षिण एशिया के सबसे ऊंचे टावर का उद्घाटन किया गया, यह कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है श्रीलंका के कोलंबो में और इसका नाम है लोटस टावर। सितंबर 2019 में कौन सा रेलवे स्टेशन मुफ्त वाईफाई युक्त 5000वां रेलवे स्टेशन बना है, तो मिदनापुर रेलवे स्टेशन जो कि पश्चिम बंगाल में है। 27 से 29 सितंबर 2019 के मध्य 7वें विश्व हिंदू आर्थिक मंच का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये किया गया है मुंबई, महाराष्ट्र के मुंबई में। हाल ही में उट्रेच विश्वविद्यालय जो कि नीदरलैंड में है के शोधकर्ताओं द्वारा खोजे गए 8वें महाद्वीप का नाम क्या है, तो उसका नाम है ग्रेटर एड्रिया। 27 सितंबर 2019 को किस खाड़ी देश ने आर्थिक और सामाजिक सुधारों में एक हिस्से के रूप में पहली बार पर्यटकों को ऑनलाइन पर्यटक वीजा जारी करने की घोषणा की है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सऊदी अरब। ऊँटों के लिए विश्व का पहला अस्पताल किस शहर में स्थित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दुबई। और नेक्स्ट है कि 24 सितंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ गांधी सोलर पार्क जिसकी क्षमता 50 किलोवाट है और गांधी शांति उद्यान का उद्घाटन किया, तो इसका उत्तर हो जाएगा न्यूयॉर्क। देश के पहले केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय की स्थापना ग्रेटर नोएडा में की जाएगी। 30 सितंबर 2019 को भारतीय स्टेट बैंक ऑस्ट्रेलिया के किस राज्य में अपनी शाखा खोलने वाला पहला भारतीय बैंक बना है, तो भारतीय स्टेट बैंक ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य के मेलबोर्न में अपनी पहली शाखा खोलने जा रहा है।
और 17 सितंबर 2019 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल को भूमि स्पर्श मुद्रा में बैठे बुद्ध की एक प्राचीन कांस्य प्रतिमा सौंपी। 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व की यह प्रतिमा 22 अगस्त 1961 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के किस संग्रहालय से चुराई गई थी? तो ये चोरी हुई थी नालंदा संग्रहालय से। और देखिए, भूमि स्पर्श मुद्रा में जो बुद्ध की प्रतिमा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आईएएस में इस पर सवाल पूछा जा चुका है, तो इसको ध्यान में रखना है।